Okay, so welcome on your PDA education and uh, on your PDA education you are watching the series which we have started for uh, recently declared airport authority of India limited uh, that uh, uh, jobs and you know there are good opportunities here and in that I had uh, given you first video related to uh, some aviation related terms you know topics one topic uh, we have discussed discussed in the previous video that was related to manufacturing companies related to aviation sector uh now in today's lecture i'm giving you some brief about organizational structure of aviation factories or aviation industries uh, who are sitting at the top and then ceo cfo chairman who are these people and some terms related to that i i will also discuss with you the kind of questions have been asked in the previous years. So previous years questions will become a reference for us to prepare really well for this particular exam of Airport Authority of India. So uh, this is the advertisement which uh, has come and uh, on the basis of you now syllabus is not mentioned in this advertisement but on the basis of uh, exam 2018 we are speculating the syllabus and that is more or less. Uh, same. So Part A, Part B for airport operation, that is one of the jobs, you know, one of the jobs is airport operations. Usme there is a Part A, Part B. Part A, mein there is a weightage is 50% and that weightage is general knowledge, general English kind of things. And Part B is also some questions related to uh, educational background. Now in Part A, 20% uh, of Part A will be uh, from aviation related topics. So we need to go for these kind of topics, aviation related topics.

टॉक मोर अबाउट दिस बट आई एम टॉक मोर द चीफ चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर डायरेक्टर जनरल ऑफ एविएशन ऑर्गेनाइजेशन तो नॉट ओनलीस थ्री बट अदर हरारकी ऑल्सो क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रीवियस इजेनाइजनल स्ट्रक्चर में से हरकी में से और क्वेश्चन भी पूछे हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में क्या होता है इज एक्चुअली द टॉपिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इेशनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर एवियेशन इंडस्ट्रीज और एविएशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका ऑर्गेनाइजन स्ट्रक्चर कैसा होता है means, आपका चेयरमैन होता है चीफ कौन होता है मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बोलते हैं डीजी कंट्रोल डी जी एविएशन किसको बोलते हैं तो ये हमें कुछ पोस्ट है जिनके बारे में वी आर टू डिस्कस इन एविएशन सेक्टर एंड आई विल डिस्कस विद यू अबाउट दीज पर्टिकुलर पोजिशन एंड पोस्ट नाउ Uh, there is a term called C-level positions. C-level positions are very high positions at the top of the hierarchical pyramid of airline corporate company. These are called C-level positions and these positions are basically uh, occupied by either the owner, business partners or owners of the company. सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स बोर्ड मेंबर्स चेयरमैन ऑफ द बोर्ड एंड सच काइंड ऑफ इंडिविजुअल सी लेवल पोजिशन मीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बॉडी है वो सी लेवल पोजिशन को हैंडल करती है दिस इज द मीनिंग ऑफ सी लेवल पोजिशन हैंडल बाई दीज पीपल अब सी लेवल पोजिशन में आता क्या है सी लेवल पोजिशन में ये सब लोग आते हैं दैट इज द ओनर ऑफ द एयरलाइन कंपनी और डायरेक्टर चेयरमैन ऑफ द बोर्ड बोर्ड मेंबर्स प्रेजिडेंट

Uh, इसका ही एक वर्जन ही यहां पे भी दिया हुआ है कि टॉप पे कौन होगा ओनर होगा टॉप पे द पर्सन हु इज बेसिकली द ओनर ऑफ द कंपनी देन द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड देन बोर्ड मेंबर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पार्टनर सीईओ सीएफओ एफ ओ दीज आर दीपल हु आर सिटिंग एट द टॉप टिल ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर अब इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन क्या सकता है ही माइट गिव यू यू बेसिकली एंड आस्क विच वन इज एट द टॉप या इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो समथिंग का फंक्शन क्या होता है सी ओ ओ का फंक्शन क्या होता है या एयर इंडिया के चीफ का डेजिग्नेशन क्या है या इंडियन एयरलाइंस का चीफ का डेजिग्नेशन क्या होता है या सिविल एवियेशन एयर ट्रैफिक कंट्रोल में चीफ का डेजिग्नेशन क्या है दोस्त कैन बी आस्ट एज अ टोल्ड यू दिस नॉट अंप्लीट इन इट सेवर्ड बट दैट फॉर इंट्रोडक्शन आई टोल्ड यू दिस इज द मीनिंग ऑफ बेसिकली हरारकी अगर सी लेवल से नीचे चलेंगे तो दूसरी हरार की आती है सी लेवल से थोड़ा सा नीचे चलेंगे दूसरी पोजीशंस भी आती हैं व्हाट आर दोज पोजीशंस आर दिस फ्लाइट अटेंडेंट से लेके एयर एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट सेक्रेटरी स्पेशलिस्ट होते हैं डाटा एंट्री वर्कर्स होते हैं ऑपरेशन एजेंट्स होते हैं एवियोनिक टेक्नीशियंस होते हैं दिस कीप्स ऑन गोइंग एंड देन पायलट्स एंड को पायलट्स भी इसी हरारकी के अंदर आते हैं सो आई विल नॉट से दिस इज इन पर्टिकुलर हरारकी कोई एडजस्ट हुआ हुआ है ये सारा के सारा हराकी की फॉर्म में है बट यस दीज आर दीर वेरियस अलग अलग हॉर्जेंटल प्रेजिडेंट होगा सीईओ के ऊपर सी एफ ओ सी एफ ओ के ऊपर सीईओ समथिंग लाइक तो वो वर्टिकल हरारकी हैल हरारकी बिकॉज इसमें बहुत से फंक्शन ये हॉर्जेंटल आपका मैट्रिक्स है लेक्चर्स जो बाकी पोजीशंस में मैंने आपको बताया कि फ्लाइट अटेंडेंट का काम क्या होता है एयर एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट का काम क्या होता है एयर एडमिनिस्ट्रेट एयरलाइन एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट में सेक्रेटरी या पीआर स्पेशलिस्ट कौन होते हैं कम्युनिकेशन मैनेजर्स कौन होते हैं सो इफ यू गो टू सम इफ यू फाइंड सम एयरलाइंस व्हेन यू गो टू एयरपोर्ट एंड ऑल यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव्स वर्किंग देयर फॉर पर्टिकुलर एयरलाइंस दे बेसिकली मेंटेन एवरीथिंग थिंग दैट थिंग्स आर प्रॉपरली फ्लोइंग operations agent are also there airline operation agent they are called who communicate with the pilots personal ground crew and uh, makes sure that flight is flight is going on in time and on safe mode avionic technicians they are the technical people and electronic systems are a handle karte, regional sales manager right so this is uh, related to the business of sale

ओके एविएशन मेटेरियोलॉजिस्ट भी होते हैं यहाँ पे जो फोरकास्टिंग वेदर प्रोडिक्शन डोमेन में वर्क करते हैं तो दे आर ऑल्सो देयर देन पैसेंजर सर्विस एजेंट इज देयर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आर देयर देर ऑल्सो वर्किंग हेयर तो सर्विस एजेंट आर रिलेटेड टू चेकिंग द बैगेज एंड एवरीथिंग दैट इज देयर डोमेन Okay, then airline ticket agents are there, flight instructors are there, pilots and co-pilots is entirely different domain. They are working in different domain altogether. So what we need to do is uh, for uh, this very clearly demarcated slaves. फ्रॉम वेर वी गेट टू नो कैसे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं फ्रॉम द प्रीवियस इज पेपर्स ओनली यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है वो हरकी में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वट इज दोल ऑफ सी ओ ओ ओ हाउ डिफरेंट फ्रॉम सीईओ या आपका जो एयरपोर्ट uh, होता है उसमें चीफ डेजिग्नेशन जो है उसको क्या बोलते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल के चीफ को क्या बोलते हैं उसका हराकी कैसा है तो नेक्स्ट वीडियोज में आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ओनली बाई टेकिंग एग्जाम्पल वन ऑफ द वर्टिकल्स एंड देन वी मूवेट सो एविएशन सेक्टर बहुत ही ब्रॉड सेक्टर है उसमें हॉर्जेंटल एज वेल एज वर्टिकल आपका स्प्रेड है मैट्रिक्स का हॉर्जेंटल मीन एक ही लेवल पे अलग अलग लोग जैसे मैंने बताया ग्राउंड स्टाफ अलग है टेक्निकल स्टाफ अलग है सेल्स वाला अलग है पायलट्स वगैरह अलग हैं और वर्टिकल मीन आपको आइडिया थोड़ा सा लगाना है कि हाँ किसका रोल क्या होता है टर्मिनोलॉजी समझ लो वी विल कीप ऑन मूविंग इन सच अवे की हमें होलिस्टिक नॉलेज हो क्वेश्चन बहुत ही आसान आएगा नेगेटिव मार्किंग नहीं है क्वेश्चन इज गोइंग टू बीजी बट इफ दिन कम्स वी शुड हेट इट Just revise it and I will meet you in the next video again.